वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद आज आपके लिए लेके आया हूँ एमएस एक्सेल की नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम देखने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर जो ऑप्शन है फिल्टर्स एंड स्पार्क लाइंस। ठीक है, तो ये स्पार्क लाइंस कैसे यूज़ करना है हमें हमारे जो चार्ट्स होते हैं राइट विजुअलाइज करने के लिए, वो हम यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, सो कैसे यूज़ करना है हमें उसका हाई पॉइंट लो पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, ये कैसे होता है हमारे एक्सेल शीट में, हम उसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, वो सब हम यहाँ पे डिटेल लेवल में देखने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, बड़े मज़ेदार वीडियो है। वेलकम बैक दोस्तों। सो ये कुछ शीट है मेरे पास, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, जो डेटा है मेरे पास पहले से उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड देन ये डेटा मैंने कुछ रॉ डंप है मेरे पास। अभी ऑप्शन है कहाँ पे, इंसर्ट के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कुछ स्पार्क लाइंस एंड देन फिल्टर्स, दो टैब है, हम दो टैब देखने वाले हैं। ठीक है, लाइन कॉलम एंड विन लॉस, ये फर्स्ट हम देखेंगे, एंड देन पोस्ट दैट विल स्टार्ट विद दी फिल्टर्स ऑप्शन। ये डेटा है दोस्तों मेरे पास, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक पर्टिकुलर सेल है ब्लैंक सेल, वहाँ पे क्लिक करने के बाद सपोज आपका कर्सर अगर होम टैब में है, आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट के अंदर, एंड देन लाइन जो ऑप्शन है वहाँ पे लाइन पे क्लिक करोगे। ठीक है, वंस यू क्लिक इट यू विल गेट दी दिस पॉपअप। ठीक है, यहाँ पे आपको रेंज सिलेक्ट करना है, जो पर्टिकुलर रेंज आपको चाहिए वो, एंड देन दिस इज दी ब्लैंक कॉलम जो जहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर चार्ट चाहिए, करेक्ट। एंड देन आई जस्ट बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मुझे। एंड दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, आप कैसे भी कर सकते हो, कंप्लीट अपॉन यू। यहाँ पे कॉलम विन लॉस सेम ऑप्शन है, आप तीनों में से कोई भी एक क्लिक करोगे तो आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे टाइप के अंदर दिख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है राइट, अगर कोई पर्टिकुलर कलर कोडिंग देनी है उसको, हाई पॉइंट को लो पॉइंट को, वो आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लो पॉइंट जो है तो पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको हाई पॉइंट, देखो जैसे कलर दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, जैसे इस तरह से आप कर सकते हो पर्टिकुलर। ये जस्ट रॉ डंप लिया हुआ है दोस्तों मैंने, आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, जैसे कोविड केसेस है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन यू कैन एनालाइज दैट पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, डेटा एनालिसिस पर्पस, ये बहुत ही मज़ेदार फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन दी एमएस एक्सेल, सो उसे मिस ना करिए और वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों। ठीक है, एंड देन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर तीन ऑप्शन है स्पार्क लाइंस के अंदर, कॉलम एंड विन लॉस, सो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। वंस यू ऐड दैट लाइन ना, यू विल गेट दी कॉलम एंड विन लॉस एज वेल। ठीक है, तो मैं अगेन एंड अगेन वहाँ पे जाके क्लिक नहीं करूँगा, यहीं पे मैंने जो इंसर्ट करा है वहीं पे क्लिक करने के बाद में खाली जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके चेंज करूँगा, जैसे कि ये कॉलम, ये कुछ मुझे कॉलम वाइज शो करेगा। अगेन इट्स इन विजुअलाइजेशन पर्पस दोस्तों, आपको कैसे डेटा को विजुअलाइज करना है, कैसे उसे शो करना है आपके डैशबोर्ड में, अगर आप एमआईएस में काम कर रहे हो उसमें, या फिर आप कहीं छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, यहाँ पे वो बड़ा ही मज़ेदार फंक्शन है दोस्तों, ये यूज़ आपको होगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट वीडियो एंड तक देखिए। अगेन लो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे, एंड देन जो लास्ट पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट्स जो पर्टिकुलर है वो मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन विन लॉस, विन लॉस पे क्लिक कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे भी आप कलर कोडिंग चेंज कर सकते हो हर एक पैरामीटर्स का, जैसे कि 6 पैरामीटर्स है हमारे पास, वो 6 पैरामीटर्स में हाई पॉइंट लो पॉइंट नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो दीज आर दी थ्री पॉपुलर ऑप्शंस इन दी स्पार्क लाइंस दोस्तों। ठीक है, बड़े यूनिक वे से आप क्लिक कर सकते हो, जिससे मैं एनालाइज कर रहा हूँ उसको, आपको कैसे उन्हें बेटर वे में दिखा सकूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अगर आप जाओगे स्पार्क लाइंस में, जो तीन ऑप्शन थे वो हमने वहाँ पे कवर कर रखे हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे दोस्तों फिल्टर्स एंड देन टाइमलाइन एंड स्लाइसर। अभी ये जो ऑप्शन है दोस्तों फिल्टर्स, जैसे कि अपन अगर शॉर्टकट की जैसे यूज़ करते हैं अल डी एफ एफ, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डेटा सेपरेट सा ले लिया है दोस्तों, जैसे आप अगर आप यूज़ कर रहे हो दोस्तों ना स्लाइसर या फिर फिल्टर्स के ऑप्शन, तो आपको पहले उसको आइदर टेबल में रखो या फिर प्योर टेबल में क्रिएट करो। मैं प्योर टेबल का फैन हूँ, तो आई वुड लाइक टू नो गेट दी प्योर टेबल इन इट, तो मैं प्योर टेबल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप नए हो दोस्तों, पता नहीं है प्योर टेबल कैसे यूज़ करते हैं, तो नो नीड टू वरी, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो पहले बना रखी है, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके रेफर कर सकते हो।
ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया मैंने वैल्यूज़ को, ठीक है, एंड देन ये पर्टिकुलर कोडिंग कर रहा हूँ, आई मीन जस्ट एडिंग द टेक्स्ट, ठीक है. पोस्ट दैट व्हाट आई विल डू, थोड़ा सा एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इसे, ठीक है. अब इसे यूज़ कैसे करना है वो पर्टिकुलर फिल्टर को, राइट. हर एक टाइम मैं ईयर में जाके वहाँ पे फिल्टर करूँगा, इट वुड टेक अ मैनुअल टास्क, ठीक है. यहाँ पे इंसर्ट स्लाइस पर क्लिक करोगे आप, कोई भी आपके हिसाब से एक टैब ओपन करिएगा यहाँ पे, एंड देन यू विल गेट दी दिस बटन, एक डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, जिससे आप वो पर्टिकुलर वैल्यूज को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों. और जो टाइमलाइन वाला दोस्तों जो ऑप्शन है उसे हमें ये टेबल रेंज यूजफुल नहीं होगा, तो हमें करना होगा एक नेक्स्ट टेबल जहाँ पे मैं यू नो डेट्स भी ऐड कर सकूँ, तो उससे हिसाब से हमें टाइमलाइन भी शो करेगा वो, ठीक है. तो जो टाइमलाइन ऑप्शन है ये, ठीक है. जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो पर्टिकुलर वीडियो था हमारा जो डेटा वाला, वहाँ पे जो स्लाइसर यूज़ कर रहे थे हम, वहाँ पे बेसिकली वो यूज़ नहीं हो रहा था टाइमलाइन फंक्शन. तो मैंने क्या किया, एक टैब ऐड करा इसके अंदर डेट वाला, राइट, जिससे हम वो पर्टिकुलर फंक्शन देख सकें, ठीक है. अगेन आई एम यूजिंग दी प्यो टेबल, यहाँ पे मैं प्यो टेबल ऐड करने के बाद ये डेटा सीरीज कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है. आप आपके एंड से कुछ भी ऐड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है. I just wanted to show you the how to use this particular function. तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है. एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद इंसर्ट में क्लिक कर रहा हूँ स्लाइसर. मैं आपको वापस एक बार बता दूँ कि स्लाइसर क्या था, जैसे कि हम देख सकते हैं पर्टिकुलर सेल वाइज, मुझे सेल्स का ही डेटा देखना है पर्टिकुलर चीज़ का, तो मैं सेल्स देख सकता हूँ. अभी मैं क्लिक करूँगा टाइमलाइन के ऊपर. सो इस टाइमलाइन से क्या होगा, अगर आप क्लिक करोगे डायरेक्टली दोस्तों, प्यो टेबल पे क्लिक नहीं करोगे तो ये आपको ये एरर देगा, ठीक है. तो प्यो टेबल के अंदर क्लिक करना एंड देन टाइमलाइंस के अंदर क्लिक करना, यू विल गेट दी डायलॉग बॉक्स लाइक दिस, ठीक है. एंड देन यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर्स, अगर आप टॉप में देखोगे वहाँ पे, ठीक है, मंथ्स, आपको जैसा डेटा चाहिए वो हिसाब से आप ईयर्स वाइज जैसा डेटा चाहिए आप देख सकते हो दोस्तों. मोस्टली ये यूज़ होता है जैसे कि एब्सेंटिज्म ट्रैकर आप बनाते हो, राइट, वो टाइम पे ये टाइमलाइन आपको यूज़ होगा. जैसे कि आप कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो टाइम पे यू नो आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों. सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों. सो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप सो आई कैन मेक इट वीडियो लाइक दिस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.